कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में ताहिर विला चौरंगी के करीब बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। समा के नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से इसकी मजीद तफसील जानते हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया ब्लॉक 4 और 5 के दरमियान, और सबसे अहम तरीन बात यह कि मैं सड़क के जिस हिस्से पर मौजूद हूँ यह आयशा मंजिल से 5 स्टार जाने वाला ट्रैक है, और ये ताहिर विला के मकाम पर बेपनाह पानी जमा है सड़क के एक हिस्से पर, जिससे गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारियों का सामना है। शहर के ये वो इलाके हैं जिला बस्ती के जिन्हें पौश इलाका समझा जाता है, और ये समझा जाता रहा था एक ज़माने में कि यहाँ से पानी की निकासी के फौरन इंतजाम किया जाएगा, लेकिन फेडरल बी एरिया के इस मकाम पर जहाँ सड़क पर पानी जमा है वहीं पर गलियाँ चूँकि अब नशेब में हो चुकी हैं, तो मुख्तलिफ गलियों में पानी जमा होना शुरू हो चुका है। इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर अगर हम जिला बस्ती की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों में न्यू कराची समेत जो नशेबी हिस्से हैं और जो इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हुआ है। यही सूरत हाल कमोबेश केडीए चौरंगी और नागन चौरंगी और शाहजमान की है कि जहाँ पर बारिश के नतीजे में पानी मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा हुआ, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, और महकमा मौसमियात ने पहले ही बता रखा है कि ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे से ज़्यादा अरसे तक जारी रह सकता है। जी